सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। जय हमारे साथ में मौजूद हैं। जय, आपको आवाज मिल पा रही हो तो प्लीज आप बताएं कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे का वक्त डिसाइड हुआ था और 8 बजने वाले हैं, ऐसे में मतगणना को लेकर के सब टीवी स्क्रीन के पास होंगे। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, मैं मतगणना स्थल पे ही मौजूद हूँ। फिलहाल 8 बजने को है और 8 बजने के बाद ईवीएम खुल जाएगा। पहले तो 8 बजे आपका पोस्टल बैलेट खुलेगा, उसके बाद 8:30 बजे के तकरीबन 8:30 बजे आपका ईवीएम खुलेगा। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस ओर रुख जा रहा है, जनता किसको अपना पक्ष दे रही है। फिलहाल यहाँ पे राजधानी लखनऊ में तमाम विधानसभा सीटों में विधायकों और मंत्रियों का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है। 2017 की अगर आप बात करती है पूजा, तो इस 2017 में 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन क्या 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर कब्जा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम मंत्रियों के समर्थकों का यहाँ पे जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे सुरक्षा की भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। रियाज से कहूंगी कि रियाज दिखाइए, मैं मतगणना केंद्र पे हूँ, यहाँ पे सुरक्षा में किसी तरह का सेन ना लगने पाए ऐसी व्यवस्था की गई है। जहां तक की मैं आंतरिक सुरक्षा की पूजा बात करूं तो यहाँ पे सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। बाहरी सुरक्षा की बात करूं तो सिविल फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि जो ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, निष्पक्षता पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए भी सीसीटीवी लगाई गई है और साथ ही साथ मतगणना केंद्र के कक्षों में भी, ताकि 9 विधानसभा सीट की जो भी मतगणना है वो निष्पक्षता के साथ हो सके, वहां पर भी सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया। यानी कि कुल मिलाकर लखनऊ की सभी वीवीआईपी सीटों पर किसी प्रकार की मतगणना केंद्रों पर हो हल्ला ना हो पाए, राजनीतिक समर्थकों द्वारा किसी तरह का हिंसा को जन्म ना दे पाए, इस तरह का व्यवस्था किया गया है। तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। कुछ ही मिनट में ईवीएम खुलने वाला है और राजनीति का रुख किस ओर जा रहा है ये देखने वाली बात होगी। क्या 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को जानकारी साझा कर लिए, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है और तमाम तरह की बातें दर्शकों के सामने रखी है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, अभी कल शाम ही देर शाम यूपी इंटेलिजेंस ने ये खबर साझा करी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 15 ऐसे जिले हैं, सेंसिटिव जिले हैं, जहां पर अराजकता फैल सकती है। उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है इंटेलिजेंस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इसको लेकर के किसी तरह का कोई बयान सामने आया हो? और विशेषकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी लखनऊ कैंट सीट के बारे में। लखनऊ कैंट सीट जिसपे ब्रजेश पाठक, उनकी सीट को चेंज कर दिया गया, लखनऊ कैंट सीट जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में भूकंप सा आ गया। मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने नतीजों का इंतजार नहीं किया, तमाम तरह की बातें हैं। पहले आप इंटेलिजेंस को लेकर के जो इंफॉर्मेशन है उस पर आप जानकारी साझा करें। जय, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को देंगे बड़ी खबर, अहम जानकारी। 5 राज्यों में वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में मतगणना का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। जय, अपनी बात आप कंटिन्यू करें। देखिए पूजा, आईबी ने पहले ही केंद्र को रिपोर्ट दे चुका है कि 15 ऐसे जिले हैं जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार राजनीतिक समर्थकों द्वारा आप देख रही है कि जब से एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आई तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आपने देखा कि वाराणसी में कैसे डीएम और कमिश्नर को हटाने की बात हुई, वहां पर भी चेंज किया गया, ऑब्जर्वर स्पेशल लगाया गया। बरेली में आपने देखा, आजमगढ़ में आपने देखे, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा की बात कही थी, क्योंकि राजनीतिक समर्थकों का जिस तरीके के नक्शे कदम पे चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ये आईबी को भी इशारा कर दिया था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो तस्वीर शाम तक आने वाली है, जो तस्वीर आएगी कि किस ओर जा रहा है जनता का समर्थन, कहीं उसके बाद हिंसा का स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लेकर राजधानी लखनऊ में चाक चौबंद सुरक्षा का व्यवस्था किया गया। जैसा हमने आपको बताया कि जिस मतगणना केंद्र पर राजधानी लखनऊ के मैं खड़ी हूँ, ये रमाबाई अंबेडकर मैदान है, यहाँ पे जो है 500 मीटर का दायरा पूरी तरीके से
कैद कर दिया जाए, चाहे पत्रकार हो चाहे आम इंसान को तो कतई यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन पत्रकार से लेके पुलिस अधिकारी तक बगैर पास आप एंट्री नहीं कर सकती, तो आप इसी से समझ सकती हैं कि यहाँ पे कितनी कठोर व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का संदिग्ध यहाँ पे एंट्री ना कर सके और सुरक्षा में सेल ना लगा सके। जहां तक आपने कैंट विधानसभा सीट की पूजा बात की, तो कैंट विधानसभा सीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति चल रही थी। तमाम बड़े बड़े दावेदारों को भाजपा ने पीछे ढकेलते हुए ब्रजेश पाठक जिस उत्तरी विधानसभा जिस मध्य विधानसभा सीट से ब्रजेश पाठक विधायक थे उस विधानसभा सीट का टिकट काटकर ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण के चेहरे जो है ब्रजेश पाठक को वहां पे उतारा गया और ब्रजेश पाठक के टक्कर में तो बिल्कुल जया तमाम जानकारी साझा कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी भी तमाम दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्रजेश पाठक को लेकर के चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ कैंट सीट हमेशा से ही चर्चा पर रही है राजश्री। और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक का टिकट काटा गया, ब्रजेश पाठक का टिकट काटते हुए उनको लखनऊ कैंट फेंक दिया जाता है और उसके बाद कैंट में जिस तरीके की आंधी उड़ती है वो तूफान बन के आजमगढ़ में सपा के पाले में जा पड़ती है। और ये सपा के पाले में मयंक जोशी का जाना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई आप भी तो समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव को काट कर लेकर के आए हैं, तब तो उनसे किसी ने नहीं सवाल पूछा और मैं एक ही परिवार का होकर के अगर पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं तो आपको एतराज क्यों है। शशि रंजन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सलाहकार संपादक हैं आप। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगातार हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हर जगह बदलाव की बयार बहती हुई नजर आ रही है। विशेष फोकस उत्तर प्रदेश पर सभी का इसलिए क्योंकि 80 सीटें वो 80 सीटें जो केंद्र में प्रबल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में सरकार को स्थायित्व प्रदान करती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में पूजा आज हमें 2-3 चीजों पे बहुत खास नजर रखनी होगी। एक तो ये है कि मायावती का वोट बैंक क्या रहता है, जो गणित आएंगे वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट रहा तब तो अखिलेश को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर जाटव को छोड़कर की जो दूसरे दलित वर्ग है अगर उनके वोट बैंक में शिफ्ट देखने को मिलता है तो ये सीधा सीधा फायदा होगा बीजेपी को। और जो ग्राउंड पे रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले पहले वहां से शुरू कर ले, 113 सीटें हैं वहां पर। जो समीकरण है जो जब मैं पब्लिक थर्मामीटर करने गया था तब भी ये समझना चाहता था और सभी पोलस्टर और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये समझना चाह रहे थे कि क्या मुस्लिमों के वोट में डिवीजन है, क्योंकि मायावती बीएसपी की तरफ से भी कई मुस्लिम कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से भी, तो क्या जो मुस्लिम वोटर हैं उनके वोट में डिवीजन हो रहा है, पॉइंट नंबर वन। वो मुझे लगा नहीं कि ग्राउंड पे उसमें कोई डिवीजन है। लेकिन, और लेकिन सर इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई हैं कि ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स उतारे हैं, देखिए हम मुस्लिम वोटर्स की डाइवर्जन की बात कर रहे हैं लेकिन जाट को भी हम नहीं भूल सकते, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान वहां पर हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है, लॉन्च किया है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो गया क्योंकि जो जाट है वो मुस्लिम नुमाइंदों को वोट देना पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसा तो मुझे लगा नहीं जब मैं घूम रहा था, 113 सीटों पे मैं घूम करके आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुझे लगा कि जाट और मुस्लिम इस बार इंटैक्ट है। और जाटों का जहां तक मसला है पूजा, आप याद कीजिए 2013 और 14 जो मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको 2016 में देखने को मिला था। जो पहला फेज था 58 सीटें उसमें क्लीन स्वीप 51 out of 58 वो बीजेपी लेके गई थी और वहां पे सीधा सीधा पोलराइजेशन था हिंदू और मुस्लिम वोटों का। लेकिन इस और जो बड़ी आबादी है वो मुस्लिमों की है और उसके बाद जाटों की है, लेकिन मुझे लगा नहीं ऐसा कि इस बार कोई उस तरह की बात है। और किसानों का जो मसला था और खास करके जाट जो किसान आंदोलन चला पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वो जाटों का एक मैंने देखा झुकाव जो है वो आरएलडी की भी वजह से, जयंत चौधरी की वजह से वो साइकिल यानी कि आरएलडी जो नल उनका है उसकी तरफ लगा, मुस्लिमों में वोट ऑफ डिवीजन नहीं था और जाटव वोट इंटैक्ट थे बीएसपी के साथ।
कांग्रेस को कोई बहुत तवज्जो देते हुए लोग मुझे वहां पे मिले नहीं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दलित वोट है उसमें जाटों को छोड़ दीजिए, वो बीएसपी के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप कुछ देर के बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगी बात। लेकिन माइनस जाटव जो दूसरी जातियां हैं दलित में, क्या उनमें शिफ्ट हो रहा है? जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि उनमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। अगर मायावती 15, 16, 18, 12, 20% के नीचे घसकती है और अगर बीजेपी बढ़ती है ऊपर, तो ये सीधा सीधा समझ जाइए कि माइनस जाटव जो दूसरे दलित जातियां हैं उनका वोट शिफ्ट हुआ है और वो स्विंग होकर के बीजेपी की तरफ गया है। दलितों का जो वोट है माइनस जाटव जो मैं कह रहा हूं, उसकी संभावना बीजेपी की तरफ जाने की तमाम आंकड़े आप साझा करें। इस बीच पहले रुझान भी सामने आने लगे हैं, बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी बढ़त बना रखी है। तो बेहद खास ये आंकड़े हैं और पल पल में चेंज हो रहे हैं। देखिए बीजेपी 10 आंकड़ों के साथ में आगे चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बात करते करते ये आंकड़ा 5 से 6 का नेट टू नेट फाइट है। सर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और देखिए रुझान आना भी शुरू हो चुके हैं। 10 सीटें 11 सीटें जिस दौरान मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, 8, 10, 11 फ्लिप हो रहे हैं, आंकड़े लगातार फ्लिप हो रहे हैं। और इस बीच समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं, समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई अभी अभी नजर आ रही है, 5 सीटों पर वो आगे है। और अभी तो जो है ईवीएम खुलनी शुरू हुई है, इसी तरीके से राउंड दर राउंड जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लगता है कि ये फाइट नेक टू नेक की होगी? कर रहा हूं, अभी ईवीएम नहीं खुले हैं, जो पहला राउंड होता है वो पोस्टल बैलेट होते हैं, डाक मतपत्र जिसे आप कहते हैं, ये उसकी काउंटिंग है। तो जो पहली काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है। ईवीएम अभी लगेंगे 15-20 मिनट शायद खुलने में। जो पहले राउंड का जो भी रुझान आता है वो पोस्टल बैलेट्स के होते हैं और पोस्टल बैलेट्स के रुझान बीजेपी की तरफ जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। ये एक एक समझी हुई बात है। 8 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है, 4 पे एसपी लीड कर रही है। जो मैं कह रहा था कि मायावती के वोट परसेंटेज पे ध्यान रखने वाली बात होगी और पूरा कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि बनेगी। और अखिलेश यादव जी बहुत बड़े बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने तमाम तरह की जनता के ऊपर जुल्म और अन्याय करने का काम किया है। आज जनता ने वो जो जुल्म का बदला लिया है वो शाम को आपको मालूम होगा कि जालिम सरकार ने जो 5 साल जनता पर जुल्म और अन्याय किया था उसका परिणाम ये होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और लखनऊ मत क्षेत्र में जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके यहाँ बाहर निकलने का काम होगा। देखिए चले तो रिएक्शन आप सुन रहे थे, कहीं ना कहीं अब जो जनता ने वोट दिया है उसे लेकर यहाँ पर प्रत्याशी कार्यकर्ता जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है और सभी का ये कहना है कि उन्हें जनता ने जो भी वोट दिया है, जनता ने मत दिया उस पर पूरा भरोसा। इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश 30 सीटों के रुझानों में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। कुंडा सीट से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव आगे हैं। इससे पहले मेरी सहयोगी पूजा भी इस पर कुंडा सीट पर बातचीत कर रही थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शुरुआती रुझान की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कुंडा सीट पर सपा प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हलचल है इस पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और इस पर चर्चा भी हो रही है। शशि रंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जो भी समीकरण बन रहे हैं उस पर, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, लोगों से बातचीत भी उन्होंने की थी, क्या कुछ उनका अनुभव रहा वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी पूजा, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ में राष्ट्रीय, देखिए शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए और उत्तराखंड की बात मैं करूं तो 10-7 का आंकड़ा चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस जो है वो 7 पर और बीजेपी 10 पर। अजीत कांबोज देहरादून से जुड़े हुए हैं और इस बीच के उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके सर के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मैं देहरादून का रुख करती हूँ। अजीत, आपसे मैं समझना चाहूंगी, पोस्टल बैलेट वॉर जिस तरीके से देखने को मिली एंड चुनाव के बाद, और एक वीडियो वायरल होता है जो हरीश रावत अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भाई पोस्टल बैलेट मामले में तो धांधली चल रही है, और
अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें पोस्टल बैलेट की ही काउंटिंग चल रही है, तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर किसी तरह के कोई दावे वादे कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जो फाइट है वो नेक टू नेक है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो लगभग 1,00,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट्स यहाँ पर निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं, जिनकी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। और साफ है कि पोस्टल बैलेट को लेकर जिस तरह से जब चुनावी मतदान हुआ था 14 फरवरी को, उसके बाद से पोस्टल बैलेट को लेकर एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके एक सेना का एक वीडियो भी जारी किया था कि कैसे यहाँ पर पोस्टल बैलेट में एक ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सेना के कर्मी एक ही पार्टी को यहाँ पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिताने की कोशिश कर रहा है। तो काफी हो हंगामा इस पर मचा, निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया था और सीधे तौर पर इसमें एक्शन भी हुआ है, एफआईआर तक दर्ज की गई है। तो साफ है कि पोस्टल बैलेट एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड के टोटल अगर वोटों की बात की जाए तो 52,00,000 से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है और उसमें 1,00,000 के करीब केवल अकेले पोस्टल बैलेट्स हैं। तो अब जब उनकी गिनती शुरू हो गई है और जो शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, लगभग 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है, तो कुल मिलाकर अब 8:30 बजे के लगभग जब ईवीएम से गिनती शुरू होगी तो उसके बाद क्या समीकरण बैठेंगे, किस तरह के यहाँ पर लोगों का रुझान होगा। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो चिंता की लकीरें साफ उनके माथे पर नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के अगर 2017 के समीकरणों पर नजर डाले तो 10 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 9 पर बीजेपी का कब्जा रहा था और एक चक्रौता विधानसभा सीट है जहां से कांग्रेस के प्रीतम सिंह जीत कर सामने आए थे। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने कि कैसे रोल बैक करना है, कैसे यहाँ पर सत्ता में वापसी करनी है। हालांकि एग्जिट पोल और चुनावी नतीजे और जो आम जनता की राय है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्साहित है कि 2022 में जनता ने उनको मैंडेट दिया है और जो 65% के करीब मतदान यहां पर हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। लेकिन तस्वीर क्लियर तभी हो पाएगी जब पूरी चुनावी जो मतगणना है वो पूरी हो जाएगी। लगभग 2 बजे के करीब यहां पर तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार यहां पर उत्तराखंड में बनने जा रही है। बिल्कुल जी। और जिस दौरान मैं आपसे बातचीत कर रही हूं अजीत, उसी दौरान ये आंकड़ा 16 से 10 के बीच का हो चुका है, यानी कि जो 10 से 7 का आंकड़ा था वो 16 से 10 के बीच में पहुंच गया है। हमारे साथ में के उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, संपादक हैं आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। सर आपसे मैं समझना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से आंकड़े अब सामने आने लगे हैं, लगभग 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 30 के करीब ऐसी सीटें हैं जो जिस पर समाजवादी पार्टी है, और ये रुझान अभी पोस्टल बैलेट के हैं, और इसके बाद जब ईवीएम खुलेगी, ईवीएम खुलने के साथ ही दिल की धड़कने और तेज हो जाएंगी और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग टर्न ऑन सामने आने लगेंगे वो देखने लायक होने वाले हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं और मैं समझ पा रही हूँ जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। यूपी लखनऊ कैंट से कानून मंत्री बृजेश पाठक आगे चल रहे हैं। देखिए सीट का जिक्र भी हम लगातार आपसे कर रहे थे, रामपुर से सपा प्रत्याशी आगे, नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पाएंगे, यूपी लखनऊ कैंट से यूपी के जो कानून मंत्री हैं बृजेश पाठक, कोविड के दौरान ये काफी मुखर हुए, इन्होंने ताल तक ठोक दी थी बीजेपी के खिलाफ, बृजेश पाठक की सीट को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश मध्य के बाद पहुंच गए लखनऊ कैंट, लखनऊ कैंट वो सीट जहां से रीता वगुड़ा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए सीट की डिमांड करती रही, कहा कि अगर नहीं बात समझ पाएंगे तो फिर मैं अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हूं। राजनाथ सिंह अपने बेटे पंकज सिंह के लिए लगातार रस्साकशी करते रहे, लेकिन इस सीट पर हालांकि बृजेश पाठक, ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए बृजेश पाठक को उतारा गया और वो आगे भी फिलहाल चल रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बृजेश पाठक साख को बचा पाएंगे। उपाध्याय सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी बृजेश पाठक जिनको लेकर के लगातार संशय बना हुआ था कि क्या वो साख बचा पाएंगे बीजेपी की, क्योंकि लखनऊ कैंट सीट पर जिस तरीके से रस्साकसी चल रही थी, राजनाथ सिंह चाहते थे कि वो अपने बेटे को टिकट दिलवा लें, रीता बहुगुड़ा चाहती थी कि वो मयंक जोशी को टिकट दिलवा लें, लेकिन आखिरी में ये टिकट आया बृजेश पाठक के हिस्से में। बिल्कुल पूजा, लखनऊ कैंट की सीट महत्वपूर्ण सीट है और ये बीजेपी की ही सीट मानी जाती है। जहां तक आपने कहा कि राजनाथ जी प्रयास कर रहे थे उनके पुत्र नीरज सिंह के लिए, उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने न पंकज के लिए कभी पैरवी की थी और न नीरज के लिए पैरवी की थी। हाँ, नीरज सिंह अलबत्ता लगे हुए थे कि उन्हें कैंट से लड़ाने का मौका दिया जाए, उन्होंने पिछले 5 सालों में कैंट में काफी काम किया। इसके अलावा एक जो यहाँ का फैक्टर है, कैंट सीट ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की मानी जाती है और रीता बहुगुणा जोशी पर्वतीय क्षेत्र से ही आती हैं।
इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए मांग की थी कि मयंक जोशी को टिकट दे दिया जाए, वो अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहती थी। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि वो राजनीति से खुद संन्यास ले लेंगी, खुद इस्तीफा भी दे देंगी, लोकसभा का जो उनका राज्यसभा का स्टेटस है वो भी छोड़ देंगी। तो यहां तक स्थिति थी, लेकिन चूंकि ब्रजेश पाठक यहाँ पर काफी लोकप्रिय हैं और पब्लिक के बीच में वो बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, जनता के काम वे जनता का फोन स्वयं उठाते हैं और उनका सीधा जुड़ाव अपनी जनता से है, तो उन्होंने भी पिछले 5 साल कैंट में काफी काम किया है, न केवल कैंट में बल्कि लखनऊ के किसी भी सीट से अगर कोई उन्हें फोन करता है तो वो स्वयं फोन उठाते हैं, अगर कोई उनके पास जाता है तो वो उसके सामने ही संबंधित व्यक्ति को फोन करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ये जो उनकी माउथ कन्विंसिंग हुई थी ब्रजेश पाठक की कि लालजी टंडन के बाद अगर लालजी टंडन की किसी ने जगह ली है तो वो ब्रजेश पाठक ने ली है, और ब्रजेश पाठक इसलिए बहुत कंफर्ट थे ऐसा शुरू में लग रहा था कि ऐसी यहाँ चुनौती होगी, लेकिन चूंकि कैंट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है एक तरह से, और चूंकि योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड से आते हैं तो रीता बहुगुणा जोशी से बड़े योगी आदित्यनाथ हैं, तो जाहिर है उत्तराखंड के जो लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच इनकी आबादी है, तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह से भाजपा को मिले होंगे वोट, और दूसरा ब्रजेश पाठक का अपना एक प्रभाव है, ब्रजेश पाठक बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ पे। जी पूजा बिल्कुल, उपाध्याय जी बने रहेगा हमारे साथ, इसके अलावा शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के स्टेट हेड योगेश राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी मैं आपसे भी बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले शशि रंजन जी का रुख कर लेते हैं। शशि रंजन जी, जिस तरह से जो रुझान सामने आए हैं सर, रामपुर से सपा प्रत्याशी आजम खान अभी आगे चल रहे हैं, आपको भी मालूम होगा कि बीजेपी लगातार आजम खान को टारगेट में ले रही है, और अगर हम पश्चिम के चुनाव की बात करें तो आजम खान का नाम जो है वो काफी चर्चा में रहता है, और आजम खान और उनके बेटे दोनों ही आगे हैं, तो किस तरह के समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको? मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं रामपुर में घूम रहा था ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड जब लोगों से बात कर रहा था और वहां के गणित को समझने की कोशिश कर रहा था, तो वहां के जो मतदाता हैं खास करके वो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो कई लोगों ने पढ़े लिखे ने लोगों ने कहा कि आजम खान को तो हम पिछली बार ही हरा चुके थे, बहुत कम वोट मार्जिन से वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार चूंकि लखनऊ देखना है, और वो ये भी कह रहे थे कि रामपुर से जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे हैं और दिल पर पत्थर रखकर छाती पर सीने पर पत्थर रखकर के उन्हें हराना होगा लखनऊ को देखते हुए, तो एक जो रिएक्शन है जबरदस्त तरीके से जिसका मैं इशारा कर रहा हूं कि जो पोलराइजेशन ऑफ वोट है, अगर आप बीजेपी समर्थक हैं उनसे बात करेंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर लाभार्थी और तमाम तरह के मसले पर बात करेंगे, एंटी बीजेपी या साइकिल के पक्ष में या जो उनके खिलाफ वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे तो वो महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, तमाम तरह की चीजों, वो ठोको सरकार जो चलता है वो बात कर रहे थे, लेकिन रामपुर में आजम खान जेल में थे, एक सिंपैथी वोट उनको वहां पे मिलता हुआ दिख रहा था और उसका एक रिएक्शन उनके बेटे के लिए भी दिख रहा था। मुझे तभी ये समझ में आ गई थी बात कि रामपुर से आजम खान बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही उनको जिता दिया जेल में रख करके, जो उनके फेंस लाइन के जो सिंपथाइजर थे वोटर थे वो सिंपैथी जो की सब जो 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 कहते हैं इमोशनल फैक्टर जो था वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, और तभी मुझे लगा था कि ये सीट उनके लिए क्लियर हो गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपाध्याय जी आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं लखनऊ में और यूपी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, मैं एक सवाल उपाध्याय जी से ये करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जो दलित वोट है और उसमें अगर जाटव को माइनस करते, जो मैंने ग्राउंड पे देखा और समझा वो जाटव तो बीएसपी के साथ है, उनका कहना जीते हारे हाथी मेरा साथी, लेकिन माइनस जाटव जो दलित वोट है जो दूसरी जातियां हैं दलित समुदाय में, उनकी शिफ्ट या वो स्विंग क्या बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि जो मैंने समझा दलित जाटों के साथ नहीं जाना चाहेंगे, वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनकी जो दबंगई है उसके सामने जो एक समीकरण होता है सामाजिक तौर पे उसकी वजह से वो उनके साथ नहीं जाएंगे, यादवों के साथ नहीं जाएंगे। तो जो मेरी समझ में आई बात, और योगी जी के लिए एट द एंड ऑफ द डे यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है कि जो दलित का वोट है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये मेरे लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा और पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर
कि अगर मायावती का वोट परसेंटेज, जैसे मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से, कि हमें नजर बीजेपी और अखिलेश पर रखने की जरूरत नहीं है, हमें मायावती को करीब से पढ़ना चाहिए। उपाध्याय जी से मैं ये समझना चाहूंगा, क्या दलित वोट माइनस जाटव क्या शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा नतीजों पर। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को बधाई दूंगा कि हम टैली में इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय चैनल की टैली मेरे पास है, लेकिन वो बहुत पीछे हैं। जिस प्रकार से हम टैली दिखा रहे हैं, वो बहुत आगे हम चल रहे हैं उनमें। अब दूसरी बात, जो आपने दलित वोटों के स्विंग की बात की है, तो दलित वोटों की जहाँ तक बात है, जाटव वोट मायावती का माना जाता है, लेकिन पश्चिम में ये स्थिति थी। और पंचायत चुनाव में मायावती ने एक ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देना पड़े तो दें। तो वो जो एक उनकी जो मायावती की आज्ञा को वो एक उस तरह से लेते हैं कि अब अगर मायावती ने कह दिया है तो वो किसी भी रूप में, एक तो RLD को नहीं जाएगा दलित वोट, और दूसरा किसी भी रूप में सपा को नहीं जाएगा। जहां ये लग रहा था कि अगर कोई बसपा का कैंडिडेट बहुत कमजोर है तो वहां जाटव वोट भी शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ऐसी सूचनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना अंदरूनी सर्वे है उसमें नॉन जाटव जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो पूरी तरीके से, ज्यादातर, मतलब मुझे लगता है कि काफी हद तक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। वाल्मीकि वोट पहले ही शिफ्ट हो चुका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या आप ये मानते हैं कि अगर BSP वोट में के स्विंग में अगर BSP का वोट जो अमूमन 20-22% के करीब रहा है अब तक, अगर उसमें डाउनफॉल होता है, अगर वो 12% 13% 14% जितना मैं समझ पाया हूं, मुझे लगता है कि BSP एट द एंड ऑफ द डे लगभग 15-16-17% पे जाकर के रुक जाएगी। ये पहली बार होगा जब BSP का वोट बैंक घसक रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में भी देखने को मिला है, उत्तराखंड में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये अगर 15-16 के पास रहती है तो यकीनन बाबा जो है वो 250 के पार चले जाएंगे। इसमें ये पूरा का पूरा चुनावी गणित है, इसको सिर्फ समझने की बात है। आपको लगता है कि मायावती जो BSP का वोट बैंक है वो 15-16 पे जाकर के रुक सकता है? बिल्कुल शशि जी, आपके सवाल के जवाब के लिए मैं दोबारा आऊंगी। उपाध्याय जी प्लीज बने रहेगा हमारे साथ, योगेश जी आपसे भी हम बातचीत करेंगे, शशि जी आपसे भी लगातार हम बातचीत करेंगे। पल पल की अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जनता टीवी और INH पर सबसे तेज आप रिजल्ट देख रहे हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।